श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट। गुरुकुल भजन भक्ति का अखाड़ा, पवित्र संतों की विचरण भूमि, उत्सवों की दिव्य परंपरा और बच्चों की अपनी दुनिया, जहां निर्माण होता है भविष्य के नागरिकों का, जहां बच्चों को सजाया जाता है सुनीति सद्भाव सच्चरित्र और सत्कर्म के सुवर्णालंकारों से, हजारों वर्ष पुरानी ऋषिकुल परंपरा यानी गुरुकुल, भगवान श्री कृष्ण, लव कुश आरुणी उपमन्यु नचिकेता जैसे अवतारी पुरुषों की संस्कार दात्री यानी गुरुकुल, भव्य भारत के भाग्य विधाताओं की निर्माण भूमि यानी गुरुकुल, बाल अवस्था में विद्या सद्विद्या और ब्रह्म विद्या का सिंचन कराती धरा यानी गुरुकुल, भगवान श्री स्वामी नारायण ने शिक्षापत्री ग्रंथ का आलेखन किया जिसमें आदेश दिया कि प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत्सुकृतं महत्, यानी पृथ्वी पर सद्विद्या की प्रवृत्ति कराना। इस आदेश को साकार करने परम पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवनदास जी स्वामी का अवतरण हुआ। दिनांक 15 मई सन 1948 में राजकोट शहर में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल की सुवर्ण नींव रखी गई। प्रारंभ में 7 विद्यार्थियों से शुरू हुई थी और आज ये संस्था 70 सालों में कई शाखाओं में विस्तृत हो चुकी है। रोगातुर सेवा, गार्ह सेवा 20 अप्रैल 1967 के सार्वजनिक औषधालय एवं शुश्रूषालय का आरंभ, 1951 से पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी के उपरांत रियायती दर या निशुल्क रेडियोलॉजी, दंत चिकित्सा, नेत्र रोग चिकित्सा की पूर्णकालीन श्री स्वामीनारायण गुरुकुल धर्मजीवन हॉस्पिटल का आरंभ हुआ। साथ में फिजियोथेरेपी, डायलिसिस, होम्योपैथी, एलोपैथी विभागों के साथ विभिन्न रोगों के एक्सपर्ट फिजिशियन एवं सर्जन्स की सेवा भी रियायती दर से उपलब्ध है। नेत्र रोग के निशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं। अभी तक ऐसे 853 कैंप्स द्वारा करीब 3,33,704 जरूरतमंद दर्दियों की निशुल्क निदान सारवार सेवा हुई है। गुरुकुल हॉस्पिटल के कायमी एवं ऑनररी विभागों द्वारा करीब 32,48,051 दर्दियों की निशुल्क या रियायती दर से सेवा हुई है। करीब 276 रक्तदान कैंप्स के द्वारा 53,74,123 सीसी रक्त जीवन दान के लिए समर्पित हुआ है। नवसारी नर्मदा शाखा के मोबाइल वैन द्वारा गरीब और आदिवासी लोगों की निशुल्क मेडिकल सेवा, श्रीजी संजीवनी हर्बल औषधम द्वारा 100% आयुर्वेदिक उच्च गुणवत्ता युक्त परिणामदायक 150 प्रकार की औषधियों का निर्माण, याद शक्ति एकाग्रता के लिए 2,65,000 बच्चों को निशुल्क सुवर्ण प्राशन कैंप द्वारा सुवर्ण प्राशन करवाया, आरोग्य सेवा रथ द्वारा राजकोट मेटोड़ा एवं शापर GITC में 66,432 उपरांत रोगातुर जनों की निशुल्क सेवा, मूक पशु सेवा। संस्था की प्रत्येक शाखाओं में गौशाला है। गुरुकुल द्वारा अभी तक 515 पशु रोग निदान सारवार कैंप्स द्वारा 5,20,821 मूक पशुओं की निशुल्क सेवा हुई है। आपदग्रस्त सेवा, अनावृष्टि अतिवृष्टि भूकंप तूफान आंधी का प्रकोप आदि संकट समय फूड पैकेट से लेकर आपदग्रस्तों की आवश्यक सामग्रियों की सहाय पहुंचाई जाती है। अब तक 23 आपदग्रस्त सेवा के द्वारा करोड़ों रुपए की सहाय हुई है। 2001 के भूकंपग्रस्त गांवों में संस्था द्वारा 53 स्कूलों का निर्माण तथा स्कूल बैग्स का वितरण हुआ है। 800 उपरांत चेक डैम, बारी गृह, खेत तालाब, चबूतरे, श्मशान गृह आदि का निर्माण हुआ है। व्यसन मुक्ति अभियान, कथा पारायण, सत्संग कथा,
निदान कैंप्स दरमियान लोगों को व्यसन मुक्त होने की प्रेरणा दी जाती है, जिससे हजारों व्यसनी व्यसन मुक्त हो चुके हैं। साहित्य प्रकाशन करीब 240 पुस्तकों की 35,95,892 प्रतों का प्रकाशन हुआ है। 181 प्रकार की सीडी डीवीडीओं का प्रकाशन हुआ है। संस्था द्वारा सद्विद्या एवं स्वामीनारायण दर्शन डिविनिटी सामयिक प्रकाशित होता है। सांस्कृतिक प्रदर्शन तथा कार्यक्रम भारतीय संस्कृति को उजागर करते पौराणिक प्रसंग अवतार भक्त चरित्र व्यसन से बर्बादी सामाजिक विषमताएं आदि को लेकर 18 से अधिक भव्य प्रदर्शन हुए हैं। आध्यात्मिक उत्थान उत्सव महोत्सवों सप्ताह पारायण और विशिष्ट प्रसंगों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उम्दा जीवन की प्रेरणा के लिए आध्यात्मिक उत्थान अभियान चलता है। नियमित रूप से दैनिक 2 सत्संग सभा उपरांत साप्ताहिक पाक्षिक एवं मासिक सत्संग सभाएं विभिन्न विस्तारों में आयोजित होती हैं। उत्सवों में श्री महाविश्व याग संहिता पाठ अभिषेक अनुष्ठान सदाव्रत आदि कार्यक्रम द्वारा मानव उत्थान का कार्य हो रहा है। आज तक संस्था द्वारा 118 नूतन मंदिरों का निर्माण तथा 61 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। सन 1997 से सूरत गुरुकुल में चल रही आजीवन अखंड धूम एक विशिष्ट गौरवपद कार्य है। अब तक 51 महोत्सव 9 जप यज्ञ 56 ब्रह्म सत्र 17 अभ्युदय सत्र 17 भक्ति सत्र 11 स्पेशल यात्रा ट्रेन 201 बाल युवा महिला संस्कार शिविर 19 चतुर्वेद पारायण 868 कथा पारायण 105 सत्संग विदेश यात्रा और 108 श्री महाविष्णु याग जिसमें 2 बार 1008 कुंडी यज्ञ हुए हैं। संस्कार एवं आध्यात्मिक पोषण के लिए देश विदेश में बाल मंडल युवा मंडल महिला मंडल द्वारा अनगिनत लोगों को संतों के द्वारा जीवन मूल्यों की भेंट दी जाती है। तीर्थ भूमि तरवड़ा में हर रोज 1000 छात्रों को निशुल्क भोजन नवसारी गुरुकुल द्वारा 300 निराधार परिवारों को घर बैठे निशुल्क भोजन दिया जाता है। नवसारी और नर्मदा गुरुकुल में 100 आदिवासी विद्यार्थियों को निशुल्क निवास भोजन और अभ्यास का लाभ। राजकोट में रतन पर विस्तार में जरूरतमंद 250 कॉलेजेस के छात्रों को छात्रावास भोजन आदि की निशुल्क सेवा। गुरुकुल संस्था की ये सभी प्रवृत्तियां में समझदार भाविक सज्जनों प्रेम भाव से अपनी पुण्य कमाई मात पिता परिवार जनों की स्मृति में प्रदान करते हैं। इन सभी सेवा कार्य संत गुण विभूषित परम पूज्य गुरुवर महंत स्वामी श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी की आज्ञा से धन स्त्री की तागी ब्रह्मचारी 255 उपरांत साधु संतों की निस्वार्थ सेवा भाव से चलती है। इसीलिए तो संस्था को दिए गए दान को सरकारी आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत नियमानुसार कर मुक्ति का लाभ मिलता है। जय श्री स्वामी नारायण।